हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पे जिसका नाम है दी गैरेज ऑफिशियल। और आज थोड़ा हटके टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ जहाँ पे हम बात करने वाले हैं टोयोटा हैरियर के बारे में। जी हाँ, ज़रा भी शॉक मत होइए, मैं सही प्रोडक्ट नाम बोल रहा हूँ। टोयोटा हैरियर जो इंडियन मार्केट में नहीं बिकती है अभी तक, पर क्या ये इंडिया आएगी, क्या फीचर्स के साथ में आएगी, क्या इसे लेकर आना चाहिए टोयोटा ने इंडिया, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे आने वाले आगे वीडियो में। चलिए, सब वीडियो चालू करने के पहले एक चीज़ मैं बता दूं, मैं बनाता हूँ बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंटेंट फॉर यू गाइज ओनली। अभी पैंडमिक की सिचुएशन चल रही है जिस वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम घर पे बैठ के आपके लिए रोज़ न्यूज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं टोयोटा हैरियर के बारे में। एक ऐसी SUV जो दिखने में बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, स्पोर्टी डिज़ाइन है, एक लग्जरी सेगमेंट में आती है जो इंडिया में अभी नहीं बिकती है। आपके मन में ख्याल ज़रूर आएगा कि ये टोयोटा हैरियर क्यों बोल रहा है, हैरियर तो ऑलरेडी टाटा का एक प्रोडक्ट है जो इंडिया में बिकता है। तो आपने सही सुना है, क्योंकि जो टोयोटा हैरियर है वो फॉरेन कंट्रीज़ में बिकी जाती है और जापान में उसे लॉन्च कर दिया गया है। और ये दोनों कंपनियाँ जो है, टाटा हैरियर एंड टोयोटा हैरियर, दोनों अलग प्रोडक्ट्स हैं। टाटा ने हैरियर को ट्रेडमार्क कराया हुआ है इंडिया में, जिस वजह से उनके पास सारे राइट्स है, जो जिस वजह से अगर टोयोटा वो हैरियर जो फॉरेन कंट्री में बेचती है, अगर वो इंडिया में लाना चाहेगी तो वो सेम नाम नहीं रख सकती है, क्योंकि ऑलरेडी जो कुछ भी राइट्स है वो टाटा के पास है। तो अगर आपको एग्जांपल देखा जाए तो जो कोई भी इंडियन मार्केट में गाड़ियाँ होती है ना, तो जो कुछ भी उनके नाम होते हैं प्रोडक्ट के नाम, अगर ग्लोबली समझो कुछ और होगा और इंडिया में किसी और ब्रांड ने ऑलरेडी वो नाम ले लिया होगा ट्रेडमार्क करा के, सो उस दूसरी कंपनी पास राइट्स नहीं है कि वो सेम नाम से प्रोडक्ट्स दो दो सेल करे। तो इस वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आगे हो सकते हैं। इसी वजह से टोयोटा ने अभी तक इंडिया में ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया है, और हैरियर के नाम से ये ऑलरेडी फॉरेन मार्केट्स में बिकी जाती है, और स्पेशली इन द जापान ये ऑलरेडी सेल हो रही है। मुझे दिखने में ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगता है, जो ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा उभर के भी आता है, और ये डिज़ाइन वाइज बहुत ही बेहतरीन है। अभी एक चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं, अगर सपोज मैं एक प्रोडक्ट है मेरा, कोई भी कैटेगरी हो, कार हो गया, फैशन हो गया, किसी भी चीज़ में अगर आपको एक प्रोडक्ट का नाम रजिस्टर कराना होगा, तो सेम नाम के दो सेम नाम से दो लोग भी सेम नाम से एक प्रोडक्ट को करा सकते हैं रजिस्टर, पर कैटेगरी अलग होनी चाहिए। लाइक सपोज अगर मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, सपोज मेरा नाम है ऋषभ, ठीक है, एंड किसी और की कंपनी के पास भी एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ऋषभ, बट वो कैटेगरी अलग है। सो जब दो कैटेगरीज अलग हो जाती है तो वहाँ पे आप सेम नाम रख सकते हो, बट टाटा की हैरियर एंड टोयोटा की हैरियर दोनों सेम नाम के हैं। ऑलरेडी टाटा ने हैरियर को ट्रेडमार्क करा के ले लिया है, तो इस वजह से टोयोटा के पास कोई भी राइट्स नहीं है कि वो टोयोटा हैरियर को इंडिया में सेल करे विद द सेम नेम। अगर ये इंडिया में लेकर भी आते हैं तो आने वाले समय में इनको नाम चेंज करना पड़ेगा। पर यहाँ पे मैं एक डाउट आपके लिए क्लियर कर दूँ कि अभी तक टोयोटा का कोई भी प्लान नहीं है हैरियर को इंडिया में लेकर आना, क्योंकि अगर वो हैरियर को इंडिया में लेकर आते हैं, उन्हें अगर ये लोकली इसे असेंबल नहीं करते, मैन्युफैक्चर नहीं करते, तो कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी, इसकी प्राइस बहुत बढ़ जाएगी, साथ में इनको सारे इसके मार्केटिंग करने पड़ेंगे, सारे एड्स वगैरह बनाने पड़ेंगे इसको। अभी ऑलरेडी हैरियर के नाम से ऑलरेडी इंडिया में वो मशहूर है, सो उसे ये सेगमेंट में आके अपना स्थान बनाने के लिए बहुत ही टाइम लगेगा, और बहुत ज़्यादा उनके लिए प्राइस कंज्यूमिंग होगा, उनके पैसे ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे। तो टोयोटा क्या कर रहा है, उसने ऑलरेडी सुजुकी के साथ टाइप करके रखा है। अभी मारुति सुजुकी का इंडिया में सर्विस नेटवर्क पूरा इंडिया में फैला हुआ है, हर किसी को मालूम है कि इनके सेल्स फिगर्स कितने हैं, इंडिया में कितनी ज़्यादा पॉपुलर है मारुति की गाड़ियाँ। तो टोयोटा क्या करता है, उनकी सेम गाड़ियाँ उठाता है, लाइक ग्लांजा हो गई, जो बलेनो है मारुति की, देन देर इज अर्बन क्रूजर जो आपका मारुति विटारा ब्रेजा है, देन अभी अर्टिगा भी आने वाली है जो टोयोटा रिबैच करके बेचने वाला है, और साथ ही साथ सियाज। तो ऐसे समय में टोयोटा क्या करता है, मारुति के साथ उसने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है, तो जो कोई भी उसको प्रोडक्ट लॉन्च करने होंगे, लाइक सपोज SUV करना है, MPV करना है, जो ऑलरेडी टोयोटा के पास नहीं है इंडियन मार्केट में, तो वहाँ पे वो सुजुकी से अपने प्रोडक्ट्स लेता है,
और रिबैच करके इंडिया में बेचता है। सेम गोज विद द सुजुकी ऑल्सो। सुजुकी का जो नेटवर्क है फॉरेन कंट्रीज में उतना नहीं है जितना टोयोटा का नेटवर्क वास्ट है। तो वहाँ पे सुजुकी क्या करता है, वो टोयोटा से प्रोडक्ट लेता है और रिबैच करके अपने नाम से बेचता है। तो यही खेल चलता रह रहा है। और ये जो टोयोटा हैरियर है ये इंडियन मार्केट में तो नहीं आने वाली है। प्रोडक्ट कितना भी खास हो, कितना भी लग्जूरियस हो, कितना भी प्रीमियम हो, बट इसे इंडिया में लाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे उसको ऑलरेडी जो उसके प्लान है उसको डिले करने पड़ेंगे जो इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च होने वाले हैं। बट अगर लेकर आती है तो बहुत बड़ा गेम चेंजिंग प्रोडक्ट ये साबित हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो प्लेटफॉर्म पे बिल्ड किया गया है। टोयोटा के इंजन्स बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, सालों साल चलते हैं और काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड होते हैं। अगर आपको देखना ही है तो इंडियन मार्केट में टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा एंड फॉर्च्यूनर ये दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही शानदार है। इनकी परफॉर्मेंस एक नेक्स्ट लेवल है। तो यहाँ पे अगर टोयोटा लेकर आती है हैरियर, उसे नाम चेंज करना पड़ेगा, कुछ और नाम के साथ लाना पड़ेगा। बट अगर लेकर आएगी तो बेनिफिट जो होगा, आपको अच्छा एक रिलायबल इंजन मिलेगा, बेटर स्पेस मिलेगा, इंटीरियर्स अच्छे मिलेंगे, एक ऐसी गाड़ी मिलेगी जहाँ पे आप लॉन्ग टूर पे भी लेके जा सकते हो, ऑफ रोड भी कर सकते हो, और एक स्टाइलिश सेगमेंट में ही आएगी, तो जिस वजह से इसका रोड प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट ज़रूर हो सकते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ। तो यही था आज का वीडियो, यहाँ पे मैंने एक कन्फ्यूजन दूर किया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस प्रोडक्ट के बारे में या फिर आप जानना चाहते हो अबाउट एनी अदर प्रोडक्ट, आप मुझे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम हैंडल भी मेरा छोड़ा हुआ है, वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, और हम आपके लिए डेली बेसिस पे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, अगर आप मुझसे जानना चाहते हो उस पर मैं पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो बिना झिझके कमेंट में छोड़ दीजिए, उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। आपको कोई भी डाउट होगा रिगार्डिंग बाइंग एनी कार और बाइक, आपका बजट बताइए मुझे, आप कौन से ब्रांड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो वो बताइए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी डेली ड्राइविंग क्या है, ये चारों पाँच छः चीज़ें हैं। अगर आप मुझे डिटेल में बताते हो तो वहाँ पे मैं आपको एक क्लियर वर्डिंग दे पाऊँगा कि आपको कौन सी गाड़ी चूज़ करनी चाहिए, आप कौन से गाड़ी में इन्वेस्ट करने चाहिए। क्योंकि आप जब इंडिया में रहते हो हर एक गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके फैमिली के लिए, और एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर किसी भी घर में अगर पहली कार आती है तो वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, और आप नहीं चाहोगे कि पहली गाड़ी एक ऐसी हो जहाँ पे आप आगे जाके रिग्रेट करो भाई मैंने ये गाड़ी क्यों खरीदी। तो ऐसा आपके साथ न हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो वाया कमेंट सेक्शन एंड इंस्टाग्राम हैंडल। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन साबित होता है। मिलेंगे एक और वीडियो के साथ बहुत ही जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए। इस समय पे कोविड इतना फैला हुआ है कि डबल मास्क पहनिए दोस्तों, क्योंकि डबल मास्क पहनने से आप काफ़ी हद तक बच सकते हो फ्रॉम द कोविड इन्फेक्शन। एंड गाड़ी चला रहे तो सीट बेल्ट, बाइक चला रहे तो हेलमेट ज़रूर पहनिए दोस्तों। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। टेक केयर, ड्राइव सेफ।